खबर लखनऊ से आ रही है कि 6 ऐसे बांग्लादेशियों की पहचान की गई है और गिरफ्तारी हुई है जो कि इस पूरे मामले में संदिग्ध बताए जा रहे हैं। यानी कि 6 संदिग्ध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की गई है, उन्हें हिरासत में लिया गया। कल लखनऊ में हुई हिंसा में ये लोग शामिल थे। सीएम के आदेश पर प्रशासन ने उपद्रवियों को नोटिस भी भेजा है, संपत्ति जब्त करने का नोटिस दिया गया है। ऐसे में 200 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान की गई है। दूसरे जिलों में भी उपद्रवियों को नोटिस भेजा जा रहा है। यूपी में हुई हिंसा में अभी तक 12 लोगों की मौतें सामने आई है। यानी कि जो मरने वालों का आंकड़ा है, जो तादाद है, वो अब बढ़ती हुई 12 की मौतों की पुष्टि की जा रही है। बताया ऐसा जा रहा है कि करीब इस हिंसा के दौरान 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब ऐसी स्थिति में, जबकि पूरे प्रदेश में धारा 144 कल से लगी हुई है, आज भी रामपुर समेत कुछ दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की और फिर जब पथराव हुआ तो पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करके उन्हें हटाने की कोशिश की।